का हमारा चैप्टर ठीक है जी, ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई बोथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हमारा चैप्टर है फॉर ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई, और अक्टूबर नवंबर 15-23 का ये क्वेश्चन है 15-23 का, एंड दिस आल्सो बिलोंग्स टू आईजीसीएसई. द ट्रेयर ऑफ द हिल्स रोड यूथ क्लब प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑन 31st अक्टूबर 2015. रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर का मतलब इतने पैसे आपको रिसीव हुए हैं सब्सक्रिप्शन से और सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट से. पेमेंट्स आपने किए हैं, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट हुई है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट है, रिपेयर टू इक्विपमेंट है, इंश्योरेंस 15 मंथ्स की दी हुई है 31st जनवरी. इसका मतलब है हम तो अक्टूबर में हमारा खत्म हो जाता है ना साल, इसका मतलब है नवंबर दिसंबर जनवरी 3 मंथ्स की इंश्योरेंस जो है वो आपकी प्री पेड है जो कि 1350 में 15 मंथ्स के हिसाब से शामिल है. रेंट ऑफ प्रीमिसेस फॉर 11 मंथ्स टू 30th सितंबर 2015. रेंट हमने 11 मंथ्स का पे किया हुआ है 1430 जो 11 माह का, यानी अक्टूबर का रेंट अभी आपने पे करना है, वो आउटस्टैंडिंग है, वो एक्रूड है, वो आपको पे करना है अभी. जनरल एक्सपेंसेस 2540 को दिए हुए, अदर इन्फॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस भी दी हुई है और सब्सक्रिप्शन एक्रूड भी दी हुई है, इन्वेंट्री भी दी हुई है, इक्विपमेंट एंड वैल्यूएशन है, और देयर वर नो सेल ऑफ इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर. तो आपको ये बात पता होनी चाहिए सबसे पहले कि इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज गिवन इन द क्वेश्चन वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट विच मे बी कॉल्ड एज पार ट्रेडिंग अकाउंट, रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, क्लब ट्रेडिंग अकाउंट, शॉप ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट, और उसके बाद फिर हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो मजीद आगे सॉल्व होगा. तो पहले इसमें क्या क्रिएट द सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, तो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो मैं बनाता हूँ सब्सक्रिप्शन का अकाउंट आपके सामने. अकाउंट में आपके सामने बनाने जा रहा हूं, जरूरी है आपने बनाना है. इसमें क्या होता है, इधर आपके आती है जी अक्रूड सब्सक्रिप्शन, अक्रूड भी कहते हैं बेटा इसको, अक्रूड ब्रॉडन ओइंग भी कहते हैं इसको आप, और इसको सब्सक्रिप्शन एंड एरियर्स भी बोलते हैं. एक ही बात है, सब्सक्रिप्शन एंड एरियर्स भी बोलते हैं. इधर आज आपकी आ जाती है प्रीपेड ब्रॉड डाउन, या इसको इन एडवांस ब्रॉड डाउन भी बोलते हैं. एक बात है, इधर आपकी आ जाती है इन एडवांस कैरिड डाउन, इधर आपकी आ जाती है कैश फिगर, जितनी सब्सक्रिप्शन आप रिसीव कर रहे हैं असल में. इधर आपकी आ जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर, वो अमाउंट जो आपने बेसिकली फाइंड करनी है और जो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, जो आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे. पहले देखते हैं ग्रुप ब्रॉडम कितना दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन का, 360 बेटा ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ. मैं ग्रुप ब्रॉडम 360 ओपनिंग में लिख लूंगा, क्लोजिंग में कुछ नहीं आएगा ग्रुप कैरी डाउन क्योंकि सवाल में मौजूद ही नहीं है. उसके बाद सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस दी हुई है आपको, 450 ओपनिंग है, 270 क्लोजिंग है. ये लाइबिलिटी होती है आपकी, एडवांस ब्रॉड डाउन लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट साइड पे आएगा 450, डेबिट साइड पे आपका आ जाएगा 270. 450 और 270 हमने वो भी रिकॉर्ड कर लिया है. उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो टोटल रिसीव हुई है आपको इस साल में वो हमारी कितनी है, वो दी हुई हमें 6180 की, दैट इज कैश फिगर, बैंक फिगर, कैश टू सब्सक्रिप्शन के नाम से हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे, या बैंक टू सब्सक्रिप्शन के नाम से आपकी आ जाएगी यहाँ पर जैसे 6180, तो आपकी कैश फिगर आ जाएगी 6180 से. अब टोटल करके डिफरेंस निकाल लेंगे आप, तो आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर ऑटोमेटिकली निकल आएगी, 6180 प्लस कर देंगे इसमें 450, तो आ जाएगा 6630. इसमें से हम माइनस कर देंगे 360, और माइनस कर देंगे 270, तो आपका 6000 आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर, जो कि आपने कैलकुलेट करनी थी या जो कि आपने फाइंड करनी थी. एक ही बात है, फाइंड करने कह दें, कैलकुलेट करने कह दें, जिस तरीके से भी आपको समझ में आती है, ये आपका आ जाएगा 6630. ठीक है जी, अब हमने बनाना है जी रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट. सबसे पहले वो बनेगा, ये एक तरह से दो हिस्से कर दिए हमने, क्रॉस प्रॉफिट तक जो अकाउंट हम बनाते थे ना जीपी तक, उसके और इनकम स्टेटमेंट के दो हिस्से कर दिए. एक को रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट का नाम दिए, एक को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नाम दे देते हैं. रिफ्रेशमेंट सेल सबसे पहले आपके पास आ जाएंगी, सेल रिफ्रेशमेंट दी हुई है आपको 3100 की, वो मैं लिखूंगा 3100 की रिफ्रेशमेंट सेल्स मैं रिकॉर्ड कर दूंगा. इसमें से मैं लेस कर देता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स,
आप कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, इसमें कोई ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने वो स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए मेरे, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, नो मैटर। सर ये ट्रेडिंग अकाउंट कब बनता है? जब आपको क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हो तो आपको रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बनाना पड़ता है। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दिए हो तो आपको परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा ट्रेड परचेजेस फाइंड करने के लिए, जो कि सवाल में मौजूद नहीं थी क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स नहीं दिए हुए। इन्वेंट्री और फ्रेशमेंट कितनी दी हुई है? 280 की ओपनिंग है और 310 की क्लोजिंग है। ओपनिंग इन्वेंट्री मैं लिख लूंगा यहाँ पे आ जाएगी 280 की। परचेजेस में देख लेता हूँ, परचेजेस मेरे पास कितने की हैं? परचेज और फ्रेशमेंट ये दी हुई है आपको 2650। अगर ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड पे पेबल दिए होते तो फिर मैं इस अमाउंट को यूज करते हुए PLCA बनाता और क्रेडिट परचेज फाइंड करता, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। तो परचेज और फ्रेशमेंट आपका आ जाएगा यहाँ पे 2650। क्लोजिंग इन्वेंट्री हम यहाँ से माइनस कर देंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी है जी 310 की, 310 की क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी। इसको हम आगे जो है वो सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकें। तो 280 प्लस 2650 माइनस 310, तो 2620 आपका ये निकल आएगा। ये आपके पास आ जाएगी जी 2620। ये 2620 हम माइनस कर देंगे 3100 में से, तो 480 आपका आ जाएगा प्रॉफिट, जिसे आप ग्रॉस प्रॉफिट भी कह सकते हैं और इसको आप रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं। अगर कोई रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते तो मैं यहाँ से उसको माइनस करता। रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस अगर होते हैं ना तो मैं यहाँ पहले माइनस करता उसको और उसके बाद फिर मैं यानी रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस यहाँ से माइनस करते हैं और फिर रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट मेरा निकलता। लेकिन फिलहाल क्योंकि यही था इसलिए मैंने निकाल दिया। हमने क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो बनाएंगे। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही जो हमने इनकम्स पीछे निकाली है वही आगे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इनकम्स आ जाएंगी। इनकम्स में सबसे पहले हम जो है वो क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो आपने इनकम हासिल की है सब्सक्रिप्शन से तो बेटा वो आएगी। दूसरा जो इनकम आपकी निकली है ट्रेडिंग प्रॉफिट से वो मैं सबसे पहले रिकॉर्ड करूंगा रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट से। जो इनकम मुझे रिसीव हुई है वो मुझे रिकॉर्ड करनी है और वो कितनी है? 480 की। इस तरह सब्सक्रिप्शन से जो मुझे इनकम आई है वो मैं रिकॉर्ड करूंगा, वो मेरी कितने की दी है मुझे या क्वेश्चन में गिवन है 6000 की मैंने निकाली है और वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के मैंने कैलकुलेट की। टोटल मेरे पास आ जाएगी 6480 की मेरे पास टोटल सब्सक्रिप्शन टोटल इनकम आ जाएगी। इसके अलावा भी अगर कोई इनकम होती तो मैं रिकॉर्ड करता, लेकिन इस क्वेश्चन में इसके अलावा कोई इनकम मौजूद नहीं है। इसमें से मैं लेस कर दूंगा एक्सपेंसेस, मैं इसमें से माइनस कर दूंगा मेरे जो भी होंगे, तो मेरा सरप्लस या डेफिसिट आ जाएगा। इसमें प्रॉफिट को सरप्लस कहते हैं और लॉस को डेफिसिट कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा? जनरल एक्सपेंसेस मुझे दिए हुए हैं। अगर किसी एक्सपेंस का ओपनिंग और क्लोजिंग मुझे दिया होता यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग दिया होता तो उसका भी मुझे अकाउंट बनाना पड़ना था, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग किसी एक्सपेंस का नहीं दिया हुआ इसलिए मुझे उसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो जनरल एक्सपेंसेस मैं लिखूंगा 2540 के आपके आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल एक्सपेंसेस के बाद अगर हम गौर करें तो हमारे पास रिपेयर टू इक्विपमेंट है कितने की? 220 की। वो मैं लिख लूंगा एक्सपेंस होता है आपका 220 की, वो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा एज एक्सपेंस। उसके बाद आपका आता है जी इंश्योरेंस है, मैंने बताया था कि इंश्योरेंस 31 जनवरी तक की दी हुई है, यानी हमें इंश्योरेंस 3 माह की प्रीपेड है, तो इंश्योरेंस में से वो आपको 3 माह की इंश्योरेंस माइनस करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंश्योरेंस 1350। बेटा 1350 को डिवाइड करूंगा 15 से, एक महीने इंश्योरेंस आएगी 90, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से
तो 270 की इंश्योरेंस मेरे पास आ जाएगी, जो बेसिकली क्या है, प्रीपेड है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये 1350 की इंश्योरेंस जो आपको दी हुई है ये 15 महीनों की है, इसमें से 3 महीने की इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड है, क्योंकि हमारा साल जो है वो खत्म कब होता है, 31 अक्टूबर को। तो नवंबर दिसंबर जनवरी की इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो 1350 डिवाइड में 15 करूंगा तो 1 महीने की इंश्योरेंस आ जाएगी जो कि आएगी 90, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से 270 आ गया, 1350 में से माइनस कर दूंगा 270, 1080 मेरे पास इंश्योरेंस आ जाएगी जो कि इस साल को से बिलोंग करती है, इस साल से रिलेट करती है, वो मैं लिख दूंगा इंश्योरेंस के नाम से। उसके बाद आपका आ जाएगा इंश्योरेंस के बाद रेंट ऑफ प्रीमिसेस, रेंट में रिकॉर्ड कर लूंगा आपका, इधर रेंट आपका आ जाएगा। रेंट वो कह रहा है 11 महीने का आपने पे किया है, और कितना पे किया है आपने, 1430, यानी 1 महीने का अभी भी आपने पे करना है, वो आपका क्या है, एक्रूड है। तो पहले आप क्या करेंगे, 1430 को डिवाइड करेंगे 11 से, 1 महीने का रेंट आपका आ जाएगा 130, वो ऐड कर देंगे इसमें क्योंकि वो आपने अभी तक पे नहीं किया हुआ, तो टोटल रेंट जो आपने एक्सपेंस में लिखना है वो आपका आ जाएगा 1530 के अमाउंट से आपका रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, 1530। कैसे, रेंट ऑफ प्रीमिसेस 11 महीने की आपने पे की है, 1430 उसको डिवाइड करेंगे 11 से, तो 1 महीने का रेंट आ जाएगा 130, वो आपने भी पे करना है, वो पेबल है, वो ऐड कर देंगे और करंट लायबिलिटी में भी आएगा, जैसे इंश्योरेंस का प्रीपेड जो है वो करंट एसेट में लिखा जाएगा अगर हम बैलेंस शीट बनाते, तो फिलहाल तो नहीं बनानी है आपने, तो आप उसको यूज नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है जी डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट के ऊपर, डेप्रिसिएशन है जो कि आपने चार्ज करनी है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट आपकी आ जाएगी। कैसे निकालेंगे बेटा, वो हम निकालेंगे किससे, नेट बुक वैल्यू मेथड से, और नेट बुक वैल्यू मेथड से हम कैसे बनाते हैं इक्विपमेंट का अकाउंट, में बनाऊंगा आपका, आपको पता है कि आपका ब्रॉड डाउन आ जाएगा डेबिट साइड पे, उसका अकाउंट का पूरा एक फॉर्मेट होता है बेटा, इधर आपका आ जाता है जी ब्रॉड डाउन, फिर आपकी आ जाती है जी एडिशन जो नया खरीदा आपने, इधर आपका आ जाता है सोल्ड, जो सोल्ड करते हैं बेटा उसकी नेटबुक वैल्यू लिखते हैं, याद रखिएगा, फिर आपकी इधर आ जाती है डेप्रिसिएशन, और आपका क्या आ जाता है जी क्रेडिट डाउन। हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या डाटा दिया हुआ है, इक्विपमेंट एट वैल्यूएशन 6000 ओपनिंग है और 6800 का क्लोजिंग है, 6000 हमारा ओपनिंग है इक्विपमेंट का, 6800 हमारा क्लोजिंग है, बेचा हमने कोई भी नहीं था लेकिन खरीदा हमने जरूर है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट ये लिखा हुआ है आपका कितने का, 2000 का, तो परचेज ऑफ इक्विपमेंट में यहाँ पे एडिशन मेरा जो है वो आ जाएगा 2000, 8000 हो जाएगा टोटल आपका, 8000 में से 6800 आप माइनस कर देंगे बेटा, तो 1200 की आपके पास डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट आ जाएगी, जो आपने यहाँ पे लिख देनी है, दैट इज द डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, जो आपको डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट भी करनी है या माइनस भी करनी है, आ जाएगा 2540 प्लस 220 प्लस 1080 प्लस 1530 प्लस 1200, टोटल 6570। आपका सरप्लस नहीं आ रहा, आपका डेफिसिट आ रहा है इस साल के अंदर, ये आपका 6570 निकल रहा है, इसमें से 6480 जो है माइनस हो जाएगा आपका, तो 90 का आपका बेसिकली क्या आ रहा है, डेफिसिट जो है वो आ रहा है 90 का, सरप्लस अगर प्रॉफिट होता तो मैं सरप्लस लिखता, क्योंकि हमारा लॉस आ रहा है तो ये डेफिसिट आपका आ जाएगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवाया है, इसमें बैलेंस शीट तो नहीं मांगी थी, बाकी उसने क्वेश्चंस में सारा कुछ जो है वो मंगा हुआ था। देखते हैं, हमने इनके रिफ्रेशमेंट की ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, रिफ्रेशमेंट इनकम स्टेटमेंट बनाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने बनाया, आगे कहता है स्टेट टू रीजन बाय द सरप्लस और डेफिसिट शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉट इक्वल टू द बैंक बैलेंस, इसलिए कि रसीट एंड पेमेंट अकाउंट या बैंक जो अकाउंट होता है, बैंक बैलेंस जो होता है, दैट इज ए कैश अकाउंट, ठीक है जी, एंड इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड सरप्लस और डेफिसिट एंड इट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। एक तो ये डिफरेंस है, दूसरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड्स ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ इनकम और एक्सपेंसिस लिखते हैं, जबकि बैंक अकाउंट के अंदर
एसेट्स अगर खरीद रहे हैं तो उसकी पेमेंट भी आएगी, बेच रहे हैं तो उसके पैसे भी आएंगे, कैपिटल नेचर के आइटम्स भी आते हैं और रेवेन्यू नेचर के आइटम्स भी आते हैं, ठीक है जी। एक्सीडेंट पेमेंट अकाउंट से बैंक बैलेंस निकलता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस और डेफिसिट निकलता है, ये तो ये ऑलरेडी उसने बताया भी हुआ है, ठीक है जी। एक्सीडेंट पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बनता है जबकि इनकम एक्सपेंडिचर ऑन एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बनाया जाता है। एक्सप्लेन व्हाई अ क्लब डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट अ सरप्लस टू इट्स मेंबर्स, बिकॉज देयर इज नो ओनर, इवन द सरप्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज देयर इज नो ओनर, इट इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, द पर्पस इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, दैट्स व्हाई देयर इज नो ड्रॉइंग्स ऑल्सो। स्टेट हाउ अ क्लब्स एक्यूमुलेटेड फंड अराइजेस, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स व्हेन एक्यूमुलेटेड टुगेदर एंड नॉट यूटिलाइज्ड बाय द बिजनेस बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट बिकम्स द एक्यूमुलेटेड फंड ऑफ द बिजनेस। ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज, दैट इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड फंड के बराबर आता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई जून 2021 का है। फाइनेंशियल ईयर ऑफ हिलक्रेस्ट एथलेटिक्स क्लब एंड्स ऑन 30th अप्रैल। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज फॉर मेंबर्स, द क्लब आल्सो रन अ कैफे फॉर मेंबर्स एंड विजिटर्स। द ट्रेयर प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन प्रीपेड दी हुई है, क्रूड दी हुई है, रेंट एंड रेट्स इंश्योरेंस प्रीपेड दी हुई है, कैफे इन्वेंट्री दी हुई है, कैफे सप्लायर्स भी दी हुई है। इसका मतलब है इसमें कैफे ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी हुई है, और कैफे ट्रेड पेबल भी बना था क्योंकि सप्लायर्स का अकाउंट भी दिया हुआ है। अमाउंट रिसीव सब्सक्रिप्शन में है, कैफे सेल्स है, प्रोसीड फॉर सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट है, अमाउंट पेड में कैफे सप्लायर्स को जो पेमेंट किए, रेंट एंड इंश्योरेंस है, न्यू इक्विपमेंट है, जनरल एक्सपेंसेस है। ड्यूरिंग द ईयर ऑल इक्विपमेंट वॉज सोल्ड एंड वॉज रिप्लेस बाय न्यू इक्विपमेंट, एट द डेट ऑफ सेल द नेट बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट वॉज 956, यानी आपने जो 1059 का इक्विपमेंट बेचा उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 956 है। जो आपने इक्विपमेंट बेचा है कितने का, 956 सॉरी 1059 का जो बेचा है उसकी बुक वैल्यू 956 है। इसका मतलब आपने बेचा ज्यादा का तो प्रॉफिट भी हो रहा है आपको। इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड बाय 15% ऑन द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट हेल्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, नो डेप्रिशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द कैफे, यानी आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ये क्वेश्चन उसने हमें बनाने को जो है वो कहा है, किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, इसको हम देखते हैं हम कैसे जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। अगला सवाल भी जो है वो भी हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो मैं आपको करवाऊंगा एज इट इज, ताकि हमें जो कोई भी प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं वो हमारी पूरी हो सके, हमें कोई इसमें इशू जो है वो ना आए, हम आसानी से जो है वो उसको सॉल्व कर सकें। जी देखते हैं उसी क्वेश्चन को, कि मैंने कहा जरा मैं देख लूँ जरा सवालों की नेचर, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो हमें अभी मजीद करने की ज़रूरत है या मुझे करवाने चाहिए, वो मैं देख रहा हूँ। आखिर में काफ़ी रिसीविंग पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चन दिए हैं उन्होंने, उसको हम कोशिश करेंगे कि हम रिसीविंग पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चन को भी जो है वो सॉल्व अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। मैं निकालता हूँ, ये क्वेश्चन जो हमने करना था उसको सॉल्व करते हैं। ये मेरा ख्याल है कि और अगला वीक के अंदर ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, दो के दिन लगेंगे इसको, मैक्सिमम दो या दो दिन लगेंगे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, फिर मैं दो तीन दिन इस पर मजीद डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद फिर हम, मैंने बताया था कि एरर्स का चैप्टर हम करेंगे, और उसको भी हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द हम करने। ये था हमारा क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा था, मई जून 2016 IGCSE का क्वेश्चन बेटा, मई जून 2021 का। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो कैफे इन्वेंट्री दी हुई है तो आपको इसका मतलब है कैफे ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे सबसे पहले PLCA जो है वो बनाना पड़ेगा। तो मैं बना लेता हूँ PLCA का अकाउंट, हम डेवलप कर लेते हैं। बैलेंस शीट बनानी होती तो फिर वो जाहिर बात हमें ये भी कहता कि एक्यूमुलेटेड फंड भी फाइंड करें,
लेकिन बैलेंस शीट उसने क्योंकि मांगी नहीं हुई थी हमसे, इसलिए हम सिंपल पीएलसी से सॉल्व करके सॉल्व आगे स्टेप्स अपने स्टार्ट कर सकते हैं। एसएलसीए नहीं बनता बेटा इसमें, क्योंकि हम नॉर्मली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स जो है वो कैश पर ही करते हैं, क्योंकि क्या क्रेडिट में बेचने की हमें जरूरत नहीं है, हम कौन सा कारोबार कर रहे हैं, ठीक है ना। हम तो सिर्फ बुक प्रोवाइड करने के लिए, फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए हमने वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओपन की। एफ सप्लायर्स दिए हुए बेटा 1292 के ओपनिंग है और 1137 की क्लोजिंग है। ओपनिंग ब्रॉड डाउन आपका आ जाएगा जी 1292 और कैरी डाउन आपका आ जाएगा जी 1137। पेमेंट टू ट्रेड पेबल जो आपकी है, जो आप पे कर रहे हैं ट्रेड पेबल्स को, यहाँ लिखा है कैफे सप्लायर्स को जो आप अमाउंट पेड कर रहे हैं 7998 है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7998। इसके टोटल करके माइनस कर देंगे तो आपको क्रेडिट परचेज आ जाएंगी 7998 प्लस 1137 माइनस 1292, तो क्रेडिट परचेज आपके पास आ जाएंगी 7843। क्रेडिट परचेज आज 7843 ठीक हो गया। उसके बाद एसएलसी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैफे सेल्स में डायरेक्ट देंगे 10430। अब हम क्या बनाएंगे, मैंने बताया था अगर किसी एक्सपेंस या इनकम का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो तो आपको एक्सपेंस या इनकम का अकाउंट भी बनाना पड़ता है। ये पेमेंट अमाउंट पेड टू कैफे सप्लायर्स का मतलब है अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल है। सप्लायर्स वो होते हैं जिनसे आपने पैसे लेने पड़ते हैं, लेने होते हैं, तो बेसिकली ये अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल्स ही दिया हुआ है आपको। ट्रेड पेबल्स को आपने अमाउंट दी है ये वो लिखी हुई है आपको पेमेंट टू कैफे सप्लायर्स के नाम से। ट्रेड पेबल्स डेबिट होंगे किसकी वजह से, कैश की वजह से, डिफरेंस निकाल कर हम उसका निकाल लेंगे। अब हमने अकाउंट बनाना है इसका एक्सपेंस का, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस का अकाउंट बनेगा, क्योंकि किसी भी एक्सपेंस से इनकम का अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो तो अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। इसका हम अकाउंट बना लेंगे क्योंकि इसका ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ, जैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको क्योंकि उसका भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया, उसका भी आप अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका ओपनिंग क्लोजिंग क्वेश्चन में मौजूद है। वो इनकम अकाउंट है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट इनकम अकाउंट होता है, ये एक्सपेंस अकाउंट है। इसका एक्रूड ब्रॉड डाउन इस तरफ आता है बेटा, इधर आपका आ जाता है एक्रूड क्रेडिट डाउन, आपकी आ जाती है जी कैश फिगर जो आप पेमेंट कर रहे हैं, और इधर आप लिख लेते हैं जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी, प्रीपेड भी आता है यहाँ पर, आपका आता है प्रीपेड ब्रॉड डाउन, वो भी लिख के आपको अगर दिया हो तो, और यहाँ पर आपका आता है प्रीपेड। देखते हैं जी क्या क्या दिया हमें, अगर हम देखें रेट्स एंड इंश्योरेंस, प्रीपेड ओपनिंग दिया हुआ है 155 और क्लोजिंग 180 है। प्रीपेड दिया हुआ है आपको, ओपनिंग है 155 और प्रीपेड कैरी डाउन आपको दिया हुआ है कितना 180 का। ठीक है जी, कैश फिगर कितनी दी हुई जो आप कैश पे कर रहे हैं वो लिखा हुआ है, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस आप कैश में कितनी पे कर रहे हैं 4860, रेंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 4860 कैश फिगर यहाँ पे आ जाएगी आप। और कोई दिया नहीं हुई चीज हमें, तो टोटल कर लेंगे बेटा डेबिट साइड का 4860 प्लस 155 माइनस कर देंगे 180, तो आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाएगी रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस की 4835, जो आपने इनकम में जाके लिखनी है, वहां पर जाके रिकॉर्ड करनी है। हम क्या बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट भी बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में, सब्सक्रिप्शन अकाउंट उसने मांगा हुआ है, अगर ना भी मांगा होता तब भी मुझे बनाना पड़ना था, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के जब ओपनिंग क्लोजिंग किसी भी इनकम या एक्सपेंस अकाउंट का दिया हो तो आपको फॉर्मेट के तहत इनकम एक्सपेंस अकाउंट बनाना पड़ता है उसको सॉल्व करने के लिए। कभी आपको पता है फॉर्मेट है, आपके सामने मैं बना चुका हूँ, इधर आ जाता है क्रूड ब्रॉड डाउन, इधर आता है क्रूड कैरेट डाउन, इधर आता है प्री पेड ब्रॉड डाउन, या असल में प्री रिसीव ब्रॉड डाउन कहते हैं इसको हम, या इन एडवांस ब्रॉड डाउन भी कह सकते हैं। प्रीपेड देख लेते हैं या इन एडवांस देख लेते हैं, वो कितना है 1045 ओपनिंग में दिया हुआ सिर्फ बेटा, क्लोजिंग में नहीं है, क्लोजिंग नहीं है तो आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है। इधर आपके आ जाएगी कैश फिगर, जितना आपको कैश रिसीव हो रहा है सब्सक्रिप्शन से वो कैश अकाउंट से मिलेगा आपको,
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर अमाउंट रिसीव जो हो रही सब्सक्रिप्शन की वो कितनी है 16910 हम लिखेंगे कैश फिगर के तौर पे यहाँ आ जाएगी 16910 टोटल कर लेंगे क्रेडिट साइड का 1045 प्लस 16910 प्लस 285 इसमें से माइनस कर देंगे 760 तो आपकी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से जो हम लिखेंगे क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही जाके आपने लिखना है इस पर्सन में 17480 या तो बस अमाउंट आ जाएगी सब्सक्रिप्शन ठीक होगी जी बात। अब हमने अकाउंट किसका बनाना है बेटा इक्विपमेंट का क्योंकि डेप्रिसिएशन आपने निकालनी है और क्योंकि इक्विपमेंट का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो आपको इक्विपमेंट अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। लेकिन ये अकाउंट हम किससे बनाते हैं बेटा नेट बुक वैल्यू मेथड से। नेट बुक वैल्यू मेथड का फॉर्मेट हमने पिछले सवाल में भी पढ़ाया मैंने आपको इस सवाल में भी दोबारा बता रहा हूँ हम इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। नेट बुक वैल्यू मेथड से अगर आपने एसेट अकाउंट डेवलप करना हो तो आपका आ जाता है इधर ड्रॉप डाउन एसेट का इधर आपकी आ जाती है एडिशन इधर आपका आ जाता है सोल्ड आपने लेकिन क्या आती है बेटा बुक वैल्यू याद रखिएगा इधर आ जाती है बेटा डेप्रिसिएशन इधर आपका आ जाता है क्या चीज कैरी डाउन यानी जितना आपके पास साल के एंड में इक्विपमेंट पड़ा हुआ तो देखते हैं ब्रॉड डाउन इक्विपमेंट का हमें कितना दिया हुआ है। अगर हम सवाल में देखें इक्विपमेंट का ब्रॉड डाउन तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा ये तो आसान हो गया काम क्योंकि इक्विपमेंट का तो ब्रॉड डाउन मौजूद ही नहीं क्योंकि उसने कहा है कि ऑल द इक्विपमेंट वर सोल्ड सारा इक्विपमेंट ही आपने बेच दिया था ठीक है जी एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय न्यू इक्विपमेंट एट द डेट ऑफ सेल द नेट बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट वॉज 956 और बेचा आपने इतने का और न्यू इक्विपमेंट कितने खरीदा 16300 का 16300 पर आपने सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है बाकी तो आपका लॉस या प्रॉफिट आएगा तो हम अकाउंट नहीं बना सकते क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ इसलिए मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया और ये मैंने इसीलिए दिखाया था ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे हम अकाउंट इक्विपमेंट का नहीं बनाएंगे क्योंकि जो भी इक्विपमेंट था वो हमने क्या कर दिया था सेल कर दिया था और जो नया आया है उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। जो आपने नया परचेज किया है उसने बताया कि आपने किस हिसाब से कैलकुलेट करनी है 15% उसने कहा है आपने लगानी है स्ट्रेट लाइन मेथड से और जो इक्विपमेंट बेचे आपने उस पर कहता है इस साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। सबसे पहले अब हमने सवाल का सोल्यूशन की तरफ चलेंगे हम पहले तो रोकिंग ही हमारी हमने क्या बनाना है कैफे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे इसमें हम दो कॉलम्स यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा कैफे सेल्स आपकी आ जाएंगी सेल्स हमेशा SLCA से निकाल सकते हैं आप लेकिन यहाँ SLCA की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल्स हमें दी नहीं कैश कैफे सेल्स 10430 सारी सेल्स कैश पर ही है तो हम लिख लेंगे 10430 इसमें से लेस कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ कैफे भी लिख सकते हैं बात एक ही है कोई फर्क नहीं पड़ता आप कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखें या कॉस्ट ऑफ कैफे लिखें एक ही बात है। उसके बाद इसमें सबसे पहले आपकी क्या आ जाएगी बेटा बिल्कुल ओपनिंग इन्वेंट्री उसमें हम ऐड कर देंगे जी परचेजेस और हम लेस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री देखते हैं जी ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई हमें कैफे इन्वेंट्री ओपनिंग 790 और क्लोजिंग 850 ओपनिंग इन्वेंट्री कैफे की हमें दी हुई है 790 परचेजेस हम बेटा निकाल चुके हैं क्रेडिट परचेजेस कितने की हैं 7843 क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें कितने की दी हुई है 790 और 850 की वो हम यहाँ से क्या कर देंगे बेटा माइनस कर देंगे 850 7843 मैंने जो PLCA बनाया था बेटा वहां से मैंने ये अमाउंट निकाली है इसकी मदद से मैं कैफे ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बना रहा हूँ 790 प्लस 7843 माइनस 850 मैं कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 7783 यानी ये जो मेरा आपके पास आंसर आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स का ये 7783 है इसमें से हम माइनस कर देंगे 2647 आपका आ जाएगा कैफे ट्रेडिंग प्रॉफिट 2647 आपका आ जाएगा कैफे ट्रेडिंग प्रॉफिट। अगर इसमें से कैफे की डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई होती है कैफे स्टाफ वेजेस होती तो वो भी इसमें से मैं माइनस करता लेकिन कैफे स्टाफ वेजेस मौजूद नहीं थी इसलिए मुझे इसमें से माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी वरना मैंने वो माइनस इसमें से कैफे स्टाफ वेजेस होती हैं कैफे से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो डेफिनेटली मैं उसमें से माइनस करके आगे उसके अमाउंट जो है वो लिखता। सबसे पहले हमारी इनकम हमने क्या बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सबसे पहले इसमें आपकी क्या आ जाती है इनकम्स आ जाती हैं और आपको पता ही है कि इनकम में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं इनकम में सबसे पहले हम लिखते हैं जो कैफे प्रॉफिट निकाला है आपने सबसे पहले हम वही लिख लेंगे
प्रॉफिट है आपका, वो कितने का हमने निकाला जी 2647। उसके बाद आपकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो आ जाएगी सब्सक्रिप्शन, वो हमने कितनी निकाली जो इनकम एक्सपेंडिचर फॉर्म में लिखनी है आपने 17480। बेटा मैंने अकाउंट का टोटल नहीं किया क्योंकि आपको मैं समझता हूँ कि आपको पता है कि टोटल करके हम साइट माइनस करते हैं तो आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम जो है वो निकलती है। उसके अलावा अगर आप सवाल में देखें तो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो भी इनकम है आपकी, आप 1059 का एसेट बेच रहे हैं जबकि उसकी बुक वैल्यू 956 है, तो 1059 माइनस 956 हम करेंगे 103 का आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट आ जाएगा और वो भी आपको इनकम में रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि उससे पैसे आपके बढ़ रहे हैं। सेल ऑफ इक्विपमेंट आपका आ जाएगा कितने से 103 से, ये हम ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी जो कि आपने आपकी निकलती है कैफे के थ्रू यानी 2647 प्लस 103 प्लस 17480 20230 आपकी ये इनकम आ जाएगी जो कि हमने यहाँ पर लिखी है 20230। इसमें से बेटा हम लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, हम माइनस कर देंगे, और कोई इनकम होती तो मैं वो भी लिखता सारी बात है, थी नहीं इसी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंसेस में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, तो मैंने अकाउंट बनाया है और अकाउंट बना के मैंने वो निकाला है और वो एक्सपेंस मेरा कितना आता था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर में लिखूंगा 4835 का मेरा एक्सपेंस आता था जो मैंने वहां पर रिकॉर्ड कर लिया। उसके अलावा देखते हैं एक्सपेंसेस और कौन से हैं, बेटा जनरल एक्सपेंसेस दिए हैं आपको 14794 के, वो लिख लेंगे जी हम, उसके बाद बेटा आपकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। बेटा जो एसेट बेचा है उस पर तो डेप्रिसिएशन लेनी नहीं आपने दादा, उसको तो आप भूल गए, उसको तो लेनी नहीं क्योंकि उसने कहा है ना ईयर ऑफ डिस्पोजल में डेप्रिसिएशन नहीं होगी, तो 15% ऑन कॉस्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड पर, न्यू इक्विपमेंट दिया हुआ है 16300 का, इसका हम 15% निकाल लेंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 16300 का 15% 16300 का 15% निकालता हूँ, याद है 2445, सो दिस इज गोइंग टू बी माय डेप्रिसिएशन 2445 अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सपेंसेस। अब अगर मैं देखो तो और कोई मेरे पास लॉस तो है नहीं, बेसिकली प्रॉफिट था तो मैं रिकॉर्ड ऑलरेडी कर चुका हूँ, और कोई फिलहाल एक्सपेंस मौजूद नहीं है जो कि मैंने रिकॉर्ड ना किया हो, मैंने सारा रिकॉर्ड कर लिया है और अब मुझे बेसिकली क्या बनाना है, कैफे इनकम स्टेटमेंट जो मैं बना चुका हूँ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी मैंने बना लिया, उसका टोटल कर लूंगा एक्सपेंसिस का मैं, वो मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास सरप्लस या डेफिसिट दोनों ही आ सकते हैं, तो वो टोटल पहले करते हैं 4835 प्लस 14794 और प्लस 2445, टोटल आता है 22074, आपका डेफिसिट ही आ रहा है इसमें भी, टोटल आपका आया था 22074, वो माइनस कर देंगे फिर 20230 में से, तो 1844 का आपका डेफिसिट आ जाएगा 1844 आपका आ जाएगा डेफिसिट, यानी कि आपकी आप कह सकते हैं एक्सपेंसेस इज मोर देन इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर एक्सपेंडिचर आ रहा है आपका, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम आ रहा है आपका, इसको हम डेफिसिट बोलते हैं, और अगर इनकम हमारी ज्यादा होती तो हम फिर उसको क्या बोलते हैं, हम उसको सरप्लस बोलते हैं। तो मैंने ये पूरे पूरे फुल फ्लैज दो क्वेश्चन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के आज आपको करवाए हैं, सो दैट यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज द सेम एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, बट टू थिंग्स आर डिफरेंट। नंबर वन इज दिस, इसमें एस एल सी ए नहीं बनता बिकॉज देर इज नो क्रेडिट सेल्स, वी ऑलवेज sold goods for cash because we are working in a non-profit organization. PLC ये बनेगा अगर opening और closing trade payables दिए हो तो, वहां से credit purchases निकालेंगे trading account बनाने के लिए, और trading account तब बनता है जब opening और closing inventory दी हो, opening और closing inventory क्योंकि हमें इस question में दी हुई थी, सवाल में देखें सबसे पहले मैंने यही देखा था,
दी हुई थी, इसलिए मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ा और ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस कैफे सेल में से माइनस करके ट्रेडिंग प्रॉफिट निकाला और वो आगे लेके गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कैफे ट्रेडिंग प्रॉफिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, वो जो इनकम निकली सब्सक्रिप्शन की टोटल 17480 वो मैंने इनकम में लिखी और एसेट एक बेच रहे थे आप उसका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट जो निकला वो मैंने ऐड किया और एक्सपेंसेस में रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस का अकाउंट बनाया था उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आपका एक्सपेंस निकला था 4835 का वो मैंने रिकॉर्ड किया। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट का अकाउंट बनाना चाहिए था मुझे लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पुराना जो भी इक्विपमेंट पड़ा हुआ था एक तो दिया नहीं हुआ था कोई भी और जो भी पड़ा हुआ था सारा हमने सेल कर दिया तो उसका प्रॉफिट मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अब जो नया इक्विपमेंट है उस पर डेप्रिसिएशन होनी है क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था कि जो एसेट आप बेच रहे हैं जो इक्विपमेंट आप बेच रहे हैं उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो वो मैंने नहीं की। तो नया इक्विपमेंट 16,300 का था उस पर 15% डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करनी थी वो मैंने कैलकुलेट की। टोटल एक्सपेंसेस का मैंने रिकॉर्ड किया ठीक है जो भी आया मेरा और उसको मैंने माइनस कर दिया मेरा डेफिसिट निकल आया 1844 का। ठीक है जी ये दो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में और इसमें देख लें अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू वॉन्ट टू आस्क प्लीज आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं सबको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर दे चुका हूँ लेकिन ये वाले क्वेश्चन जो मैं आपको भी करवा रहा हूँ ये उस लेक्चर में मौजूद नहीं है, उस लेक्चर में दूसरे क्वेश्चन है जो ओ लेवल्स में आए हैं, ये मैं IGCSE करवा रहा हूँ वो उस लेक्चर में मौजूद नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। बेटा अब हमारी क्लास मंडे टू थर्सडे चलेगी जैसे चल रही है, मंडे टू थर्सडे की क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को कम्प्लीट करेंगे एक दो दिनों के अंदर, फिर हम चैप्टर है हमारा एरर्स का वो हम कम्प्लीट करेंगे, एरर्स का चैप्टर हम करेंगे उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। दूसरा काम हम कर रहे हैं 4:20 के ऊपर 4:20 पे हमारी क्लास चल रही है जो कि ऑनलाइन ही होती है जो कि अकेडमी में हाइब्रिड क्लास होती है, उसमें पास पेपर मैं करवा रहा हूँ, उसमें पास पेपर में MCQs भी करवा रहा हूँ और उसमें पास पेपर के अंदर मैं क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ टॉपिकल पास पेपर्स में, ईयरली पास पेपर क्वेश्चन भी करवा देता हूँ साथ साथ पेपर हम कर रहे हैं। दूसरा काम जो है तो वो क्लास भी आपने लेनी है, मंडे टू थर्सडे ही क्लासेस हमारी चल रही है। आज क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास हम बीच में मिस की थी हमने इसलिए मैंने कहा वो मैं लेकर लॉन्ग क्लास करके आपको काम करवा दूँ। और तीसरी बात जो ये है कि MCQs की मैं आपको फाइल जो है MCQs फाइल वो मैं आपको भेज दूंगा एक दो दिन के अंदर वीकेंड पे।